بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي صلى الله على النبي الأمي عزيز مستورات ऐसी शिद्दत के साथ गर्मी के मौसम में आपका जमा होना, ये क़यामत के दिन ये ज़मीन के जिस ज़मीन पर हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा कर रहे होंगे, क़यामत के दिन ये ज़मीन गवाही देगी। क़ुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, क़यामत के दिन ज़मीन अपनी खबरें बयान करेगी। जो इसकी पीठ पर जो काम किए ये क़यामत के दिन बताएगी। ऐसी शिद्दत के साथ गर्मी में आपका जमा होना, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, और नहीं मालूम यह हमारा जमा होना हमारी मग़फ़िरत का ज़रिया बन जाए, हमारी निजात का ज़रिया बन जाए। आज आपके इस मुबारक मजलिस के अंदर दिल यूँ चाह रहा है कि आपके सामने दो अहम वाक़ियों को ज़िक्र किया जाए। एक अस्हाबे कहफ का वाक़िया, अस्हाबे कहफ का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम के 15वें पारे के अंदर फरमाया है। वाक़िया कुछ इस तरह से यूं हुआ, मक्का के कुछ मुशरिकीन उलमाए यहूद के पास, जो कि मदीना के अंदर रहते थे, उनके पास गए और उनसे कहा, एक शख्स जिसका नाम मुहम्मद है, जो अपने आप को आखिरी नबी कह रहा है, जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कह रहा है, जिसने नबुव्वत का दावा किया है, आप उसके बारे में बताएं। तो उलमा यहूद ने उनके सामने तीन सवालात रखे कि आप इन तीन सवालात को उस शख्स के सामने रखना जो अपने आप को आखिरी नबी और आखिरी रसूल कह रहा है, जो अपने आप को अल्लाह का पैगंबर कह रहा है, जो अपने आप को अल्लाह का नबी कह रहा है। तीन सवालात आप उनके सामने रखना, अगर वो शख्स
उन तीन सवालात के जवाब दे दें तो यकीनन वो अल्लाह का नबी है, यकीनन वो अल्लाह का रसूल है, वो यकीनन अल्लाह का पैगंबर है। लिहाजा तुम उसकी नबुव्वत को तस्लीम कर लेना, उसको अल्लाह का आखिरी नबी मान लेना, उसको तुम अल्लाह का आखिरी पैगंबर मान लेना। लेकिन याद रखो, अगर वो शख्स इन तीन सवालात के जवाबात ना दे तो फिर तुमसे जो हो सके उसके साथ करना। पहला सवाल जो उन उलमाए यहूद ने उनके सामने रखा, इस सवाल को उस शख्स के सामने यानी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखना, वो सवाल ये था कि तुम उनसे रूह की हकीकत के बारे में पूछना। दूसरा सवाल आप उनसे असहाबे कहफ के बारे में पूछना, वो सात जने कौन थे, उनका वाकया क्या है जिन्होंने अपने शहर को छोड़ा। तीसरी बात आप उस शख्स के बारे में सवाल करना, उस शख्स का वाकया पूछना जो पूरी जमीन के अंदर मशरिक मगरिब जो पूरी जमीन के अंदर घूम आया था, जिसका नाम ज़ुल्करनैन है, आप उनका वाकया भी पूछना। चुनांचे ये शख्स जो मुशरिकीन मक्का से मदीना उलमाए यहूद के पास पहुंचा था, जब मक्का के अंदर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तीन सवालात रखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आपके ये तीन सवालात के जवाब कल दूंगा, मगर आपने इंशाल्लाह नहीं कहा। रिवायत के अंदर आता है कि 15 दिन तक आप पर वही नाजिल नहीं हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर कुफार की तरफ से वो ताना, वो मलामत हुई बातें जो आप अलैहिस्सलात वस्सलाम के मुतालिक कह रहे थे। फिर दूसरा गम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो था वो ये था कि 15 दिन गुजर चुके हैं, वही का नुजूल नहीं हुआ है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम था, ये गम सता रहा था। 15 दिन के बाद आप अलैहिस्सलात वस्सलाम पर वही नाजिल होती है, सूरह कहफ नाजिल हुई और इसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि जब तुम कोई काम करना चाहो तो तुम इंशाअल्लाह कह लिया करो, या जब आप कुछ काम करना चाहो, कुछ कहना चाहो तो आप इंशाअल्लाह कह लिया करो, इसलिए कि नहीं मालूम इंसान कल रहेगा भी नहीं रहेगा, इसलिए कुछ भी काम करने का इरादा हो तो इंशाअल्लाह कह लिया करो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तीनों सवालात के जवाब दिए गए। असहाबे कहफ का वाकया, असहाबे कहफ ये सात जने थे, हालांकि इख्तिलाफ है, कहीं तीन हैं कहीं चार, तो जो सही कौल है वो यही है कि सात जने थे। वसामिनुहुम कल्बुहुम, और उनका आठवां वो कुत्ता था। उस जमाने का बादशाह बड़ा जालिम था जिसका नाम दकियानूस था। वो बादशाह बड़ा ही जालिम था, बड़ा ही बुत परस्त था। एक दिन का वाकया कि वहां पर कोई दिन ऐसा था, बुत परस्ती की जा रही थी और लोग जमा थे, उस खेल तमाशे को देख रहे थे और ये शख्स भी उसी तमाशे के अंदर थे, उसी खेल के अंदर थे, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। उनमें से एक शख्स वहां से हटता है, किसी दरख्त के नीचे आके बैठता है, दूसरा वहां से हटा वो भी दरख्त के नीचे आके बैठा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवा भी, इस तरह वो दरख्त के नीचे आकर बैठे। कोई जानता नहीं था कि ये कौन है कौन नहीं, आपस में एक दूसरे से कोई पहचान नहीं थी, बल्कि एक अजनबी थे, अनजान थे। उनमें से एक अकलमंद और जहीन शख्स ने कहा कि तुम जो यहां पर बैठे हुए हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है, तुम्हें रब जुल जलाल वल इकराम का वास्ता है, तुम्हें आसमान और जमीन के रब का वास्ता है, तुम यहां जो बैठे हुए हो, तुम्हें किस चीज ने यहां लाने पर मजबूर किया है। चुनांचे वो सब लोग बयक जबान होकर कहते हैं कि चीज जो सामने हो रही है बुत परस्ती, ये चीज ठीक नहीं है, हमें इस चीज ने वहां से हटाया और हम यहां पर जो बैठे हैं, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत जो आसमान और जमीन का रब है, जो अकेला है, जो तने तनहा है,
हम उसकी इबादत करेंगे, हमें ये चीज इसलिए लाई है। सब बयक जबान होकर जो बोल बैठे, उस सातवें ने भी यही कहा कि मेरा भी यही मकसद है, ये चीज ठीक नहीं है, इस बुत परस्ती से बचकर मैं यहाँ पर आया हूँ। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि इन सातों के अंदर इतनी मोहब्बत होगी, इतनी मोहब्बत होगी कि सगे भाई बहनों के अंदर भी इतनी मोहब्बत नहीं कि जितनी एक ईमानी भाई और एक ईमानी रिश्ते की वजह से उन लोगों के अंदर इतना प्यार और इतनी मोहब्बत हो गई। उसके बाद ये लोग अल्लाह की बंदगी करने लग जाते हैं, अल्लाह की इबादत करने लग जाते हैं। और ये बात रफ्ता रफ्ता बादशाह वक्त जो जिसका नाम था दकियानूस उस तक पहुंच जाती है। बादशाह ने इन सातों को गिरफ्तार कर लिया, इन सातों को बुलाया गया और कहा कि सुना है कि तुम एक खुदा की इबादत करते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, हमारा रब वही है, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज, हमारा रब वही है जो आसमान और जमीन का रब है, लिहाजा हम उसी की इबादत करेंगे, हम उसी को पुकारेंगे। बादशाह वक्त ने उनको कुछ दिन का टाइम दिया, मोहलत दी और कहा कि मैं तुम्हें समझने के लिए कुछ दिन का टाइम देता हूँ, खूब समझ लीजिए। लेकिन वो लोग जब वहां से हटते हैं, आपस में वो मशवरा करते हैं और मशवरा ये तय होता है कि अगर हम यहाँ पर रहे तो ये लोग हमको मजबूरन हमको यहाँ पर परेशान करेंगे, हम यहाँ अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेंगे, हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी यहाँ पर नहीं कर सकेंगे, लिहाजा चाहिए ये कहा हमें चाहिए कि हम यहाँ से निकल जाएं, इस शहर को छोड़ दें, इस वतन को छोड़ दें कि जहां पर ईमान को बचाना मुश्किल हो, जहां पर अल्लाह की इबादत करना मुश्किल हो, जहां पर अल्लाह की बंदगी करना मुश्किल हो, जहां ईमान खतरे में हो, जहां पर अल्लाह को राजी करना मुश्किल हो, लिहाजा इस बस्ती को छोड़िएगा, इस शहर को छोड़िएगा, इस वतन को छोड़िएगा, इसलिए कि हम यहाँ पर रहते हुए अल्लाह की बंदगी नहीं कर सकेंगे, ईमान को नहीं बचा पाएंगे। वो रातों रात उस बस्ती को छोड़कर वहां से रवाना हो जाते हैं। चुनांचे कुत्ता, उस बस्ती का वो कुत्ता उनके साथ होने लग जाता है। उनमें से एक शख्स पत्थर उठाता है और कुत्ते को भगाने की गरज से उसके पत्थर मारता है कि कहीं ये कुत्ता भौंकेगा, शोर मचाएगा, चीखेगा, रोएगा और इससे तो बस्ती वालों को हमारे जाने का पता चल जाएगा, लिहाजा इस कुत्ते को हमें कैसे ना कैसे करके, चाहे पत्थर के जरिए, चाहे किसी और चीज के जरिए इसको भगाया जाए। चुनांचे जब उसके पत्थर मारा जा रहा था, वो कुत्ता आसमान की जानिब अपना मुंह करता है और अपने दोनों हाथों को अगले दोनों हाथों को फैलाता है। जब वो फैलाता है और कहता है, इलाही मैं एक बेजबान जानवर हूँ, इलाही आप मुझे जबान दीजिएगा, ये अल्लाह वाले ये नेक लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे भगा रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे, ए इलाही तू मुझे इंसान की जबान की तरह मुझे जबान दीजिए ताकि मैं इनसे हम कलाम हो सकूं, मैं इनसे बातचीत कर सकूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेजबान जानवर को, उस बेजबान कुत्ते को जबान दी और वो कुत्ता कह रहा था, ए अल्लाह वालो, ए नेक बंदो, मैं तुम्हारे साथ हो लूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा, मैं इस बस्ती के अंदर नहीं रहूंगा कि जिस बस्ती के अंदर ईमान को बचाना बहुत मुश्किल हो, जिस बस्ती के लोग बुत परस्ती में बिल्कुल मुब्तला हो चुके हो, जो अल्लाह को भूल चुके हो, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत को जो बिल्कुल जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया हो, ए अल्लाह वालो मुझे मत मारो, मुझे मत भगाओ, मैं तुम्हारे साथ चल दूंगा, मैं तुम्हारी हिफाजत कर लूंगा। जब वो इंसान की जबान की तरह उनसे हम कलाम हुआ, उनसे बातचीत करी, उन अल्लाह वालों ने उस कुत्ते को भी अपने साथ लिया। उलमाए किराम अजीब नुक्ता लिखते हैं कि उस कुत्ते को अल्लाह वालों की सोहबत और अल्लाह वालों से मोहब्बत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बेजबान जानवर का, उस बेजबान कुत्ते का भी तज़किरा कुरान करीम के अंदर फरमाया। चुनांचे वो शख्स एक किसी बड़ी गार के अंदर छिप गए और किसी अंदर जो गार बहुत ज्यादा अंदर से वसी थी उस गार के अंदर छिपके और बाहर कुत्ता वकल बुहम बासितुन जिरा आई ही बिल वसीद, वो कुत्ता अपनी बाजुओं को फैलाए हुए उस गार के दाहने पर बैठ गया। रिवायत के अंदर आता है वो लोग 309 साल तक, कुरान करीम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया वो लोग 309 साल तक सोते रहे, कुत्ता भी 309 साल तक सोता रहा।
चुनांचे उधर वो जो बुत परस्त बादशाह था जिसका नाम दकियानूस था, उसने उनको तराश करने के लिए अपने लोगों को इधर उधर भेजा। पता चला कि वो शख्स किसी गार के अंदर छिप गए हैं। अल्लाह की शान, जो जो देखने के लिए गया था वो मुसलमान था, वो जाकर बादशाह से बताता है कि फला गार के अंदर वो छिप गए हैं। बादशाह ने कहा एक काम करें, उस गार के ऊपर आप एक लंबी दीवार तामीर कर लें ताकि वो लोग अंदर ही अंदर घुटके घुटके मर जाएं, सांस ना अंदर पहुंच सके, जो उनको सांस भी ना लेना लेने पाए, अंदर हवा भी ना पहुंच सके, जिसकी वजह से वो वहीं उस गार के अंदर दम घुटके मर जाएं। आप वहां पर दीवार कायम कर लीजिए। चुनांचे उस मुसलमान के जिम्मे ये काम किया गया। वो मुसलमान वहां पर दीवार कायम करता है और उन सात जनों के, उन अल्लाह वालों के उस तख्ती पर नाम भी लिखता है, उनका वाकया भी लिखता है, और एक अलग तख्ती वो अलग से उस पर भी पूरा वाकया लिखता है, उनका नाम भी लिखता है, और वो जो दूसरी तख्ती थी उस तख्ती को शाही खजाने के अंदर छिपा देता है और एक वहां लंबी दीवार बना दी जाती है, और उस दीवार के अंदर इस असहाबे कहफ का पूरा वाकया, इनके नाम भी लिख दिए जाते हैं, दूसरी तख्ती पर भी वाकया और दूसरी तख्ती पर भी नाम लिख दिए जाते हैं और उसको शाही खजाने के अंदर छिपा दिया जाता है। चुनांचे 309 साल सुलाने के बाद, और दरमियान में अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको करवटे भी देता रहता था और उनको दाएं बाएं जानिब अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम के अंदर फरमाते हैं, वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातल शिमाल, हम उनको दाएं और बाएं करवट भी दिलवाते रहते थे। 309 साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको सुलाया। असल मंशा क्या था उस दौर के अंदर, जब 309 साल वो सो चुके थे, उस वक्त कुछ लोग ऐसे थे जो बुतपरस्ती के शिकार में मुब्तला थे। हालांकि इस्लाम का गलबा खूब हो चुका था, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा उठाए जाने को बिल्कुल नहीं मानते थे, इसमें शको शुबा में मुब्तला थे और वो यकीन नहीं करते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको 309 साल तक सुलाया और जब सूरज निकलता था डायरेक्ट उसकी किरणें उनके अंदर नहीं पड़ती थी, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसकी रोशनी से इनको नुकसान पहुंच जाए, आंखें खुल जाएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अंदर रोशनी तो पहुंचाते थे लेकिन सूरज की डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ती थी, और उसी गार के अंदर हवा भी पहुंचती रहती थी, रोशनी भी रहती थी। 309 साल के बाद जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उठाया, वो बात करने लगे थे कि हम कितने सोए हैं, कम लबिस तुम, हम कितने यहाँ, कितने दिन यहाँ पर हम ठहरे, कितने सोए। एक कहता है लबिसना यौमन, एक दिन ठहरे, औ बाज़ यौम, या हम आधा दिन सोए हैं या एक दिन सोए हैं। खैर बहरहाल बातचीत हो रही थी, उनमें से एक शख्स कहता है चलो एक काम करो, आप बाजार से कोई खाना वगैरह लाएं ताकि हम खाना खा सकें, और सुनो आप हलाल तय्यब लाना, अच्छा खाना और पाकीजा खाना लाना, और सुनो अगर बाहर बस्ती के अंदर लोगों का शोर शराबा हो तो आप उनसे ज्यादा बातचीत ना करें, बस आप खाना लाएं फौरन यहाँ पर आ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान, उसको चांदी के वो सिक्के दिए जाते हैं। जब वो सिक्का दिया गया और वो बाजार के अंदर सब्जी लेने के लिए पहुंचता है, किसी नान भाई के पास खाना लेने के लिए पहुंचता है, जब वो खाना ले रहा था नान भाई ने उसको खाना दे दिया। खाना देने के बाद जब वो पेमेंट उनको दे रहा था, अब जब उसने पैसों को देखा तो नान भाई बड़ा हैरान हुआ, भाई ये तो सिक्का बहुत पुराना सिक्का है, आप कहां से हो, कैसे हो। तो वो कहने लगे जो वो शख्स खाना लेने के लिए आए थे वो कह रहे थे भाई ये पुराना सिक्का नहीं है, हम तो कल ही यहां से गए हैं और हम फला जगह पर जाकर सो गए हैं, यहाँ का बादशाह दकियानूस था। अब जब उसके इस सिक्के को देखा, आसपास के तिजारती लोग भी एक तमाशे के तौर पर उसको देख रहे थे कि ये क्या मामला है। वो शख्स कहने लगा कि लगता है कि तुम्हें कोई शाही खजाना हाथ लगा है, तुम छिपा रहे हो, असल बात को तुम छिपा रहे हो, हमें तो यूं ही लगता है कि तुम्हारे साथ कोई बड़ा खजाना हाथ आया है, बादशाह का बड़ा खजाना हाथ आया है, और तुम ये कह रहे हो कि नहीं कल यहाँ, हम यहाँ से कल ही गए हैं, यहाँ का बादशाह दकियानूस था और हम वहां जाकर सो गए हैं। जब उसने इस बात को बोला तो लोगों में खुसर पुसर हुई
और ये बात वहां के जो उस शहर के हाकिम थे वहां तक पहुंच गई, बल्कि रफ्ता रफ्ता ये उस वक्त के जो बादशाह था जो कि मुसलमान था उस तक बात पहुंच गई और इस वाकये को वहां तक पहुंचाया गया। हत्ता के उन असहाबे कहब में से उस एक शख्स को बादशाह की खिदमत के अंदर पेश किया गया, बादशाह से पूरा वाकया बताया। बादशाह ने पूछा, अच्छा आप कहाँ हो? उन्होंने बता दिया, हम फुला जगह पर हैं। अच्छा आप अपने नाम बताइएगा। नाम बता दिए कि मेरा ये नाम है, फला मेरे भाई का ये नाम है, तीसरे का ये नाम है, चौथे का ये नाम है। अब वो बादशाह उस तख्ती को उठाता जिस तख्ती के अंदर उस मुसलमान बादशाह ने लिखे थे, उस मुसलमान बादशाह ने जो दूसरी तख्ती के अंदर असहाबे कहफ का वाकया लिखा था, असहाबे कहफ के नाम लिखे थे और उन नामों की तख्ती को उसने शाही खजाने के अंदर छिपा दिया था। अब वो तख्ती इस बादशाह के हाथ में है और वो बादशाह नाम पढ़ रहा था। चुनांचे ये वाकया तो चूंकि मशहूर हो चुका था, चंद नौजवान असहाबे कहफ जो अपने शहर को छोड़कर कहीं दूर चले गए थे, अब वो बादशाह जब उनसे नाम पूछ रहा था, नाम पूछता है, तख्ती के अंदर दूसरा नाम देखता है, तीसरा नाम पूछा, फिर तीसरा नाम तख्ती के अंदर देखा। गर्ज ये कि सात नाम उसने बताए और सातों के सातों नाम बिल्कुल ठीक वही तख्ती पर लिखे हुए थे। बादशाह ने कहा, अच्छा आप हमें उस जगह पर ले जाएं। चुनांचे उस जगह पर उनको ले जाया गया और वो असहाबे कहफ के साथी अंदर चले गए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको मौत दे दी, कुत्ते पर में मौत तारी कर दी। और फिर उसके बाद इस बादशाह ने जो कि मुसलमान बादशाह था उस जगह पर एक यादगार के तौर पर वहां इसने मस्जिद तामीर कराई। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जगह को किसी हिकमत के तहत इस जगह को भुला दिया। ये सात नौजवान थे जिन्होंने अपनी ईमान की हिफाजत की खातिर, अल्लाह की बंदगी की खातिर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत की खातिर अपने शहर को छोड़ दिया, अपने वतन को छोड़ दिया और ये लोग उस बस्ती के अंदर चले गए, उस गार के अंदर छिप गए और 309 साल तक अल्लाह ने सुलाया। और ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाजे करी कि जो अल्लाह 309 साल सुलाने पर कुदरत रखता है और फिर उस 309 साल सुलाने के बाद उठाने पर कुदरत रखता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत देकर फिर मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर भी यकीनन कुदरत रखता है। इस बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन लोगों पर वाजे फरमाया। ये लोग थे जिन्होंने अपने ईमान को बचाया, जिस तरह बीबी आसिया ने अपने ईमान को बचाया था और कह दिया था फिरौन से कि मैं तुझे अपना रब नहीं मान सकती, मैं तो अपना खुदा उसी को मानूंगी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का रब है। और उनको ना जाने फिरौन ने कैसे कैसे आप पर मजालिम ढाए, कैसे कैसे जुल्म ढाए, हत्ता कि आपके दोनों हाथों के अंदर कीलें बिगाड़ी गई, आपके दोनों पांवों के अंदर कीलें बिगाड़ी गई, मगर कुर्बान जाइए हजरत बीबी आसिया के ऊपर कि आपके जिस्म की खाल को खींच लिया गया, आपके जिस्म पर मिर्च मसाले नमक डाल दिया गया, मगर आप जो के मछली की तरह तड़प रही थी। और फिरौन कह रहा था, ए आसिया अब भी तू मुझे अपना रब मान ले, मैं तुझको अभी फौरन छोड़ दूंगा, मगर कुर्बान जाइए बीबी आसिया के ईमान पर, बीबी आसिया की बहादुरी पर, बीबी आसिया की जुरअत पर कि उन्होंने ऐसे मौके पर अपनी जान तो दे दी मगर ईमान का सौदा नहीं किया। मेरे माए बहने, ये दीन हम तक बहुत मुश्किल से पहुंचा है, हमें तो हलवे की तरह मिल गया, हमें इसकी कदर नहीं की जा रही। हमें चाहिए कि हम अपने इस दीन की कदर करें, दीन शरीयत के मुताबिक, कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक हम अपनी जिंदगी को गुजारें। सहाबे किराम ने अपनी जानों को पेश किया, उन्होंने मैदान के अंदर तीर खाए। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपको उमैया इब्ने खल्फ तरह तरह की सजाएं देता था, कभी आपके गले के अंदर वो किसी चीज को डालता और फिर आपको मक्का की गलियों के अंदर घसीटा जाता, कभी आपको तपती हुई रेत पर लिटाया जाता और आपके ऊपर एक भारी चट्टान रख दी जाती ताकि बिलाल हिल ना सके, मगर कुर्बान जाइए बिलाल की बहादुरी पर, कुर्बान जाइए बिलाल के ईमान पर कि बिलाल रजी अल्लाह ताला अन ऐसे हालात के अंदर भी आपकी जबान पर अहद अहद जारी रहता था, अल्लाह अकेला है, अल्लाह तनहा है, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है।
ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर और उसके सच्चे रसूल हैं। मगर हम कलमा तो पढ़ते हैं नबी अलैहि सल्लत व सलाम का, और उन्हीं नबी की सुन्नत को मिटाते हैं, उन्हीं नबी की सुन्नतों को खत्म करते हैं। मेरी माए बहने, हम अपने घरों का जायजा लें, हमारे घरों के अंदर अंग्रेजों के तरीके हैं या नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम का तरीका है। पहला वक्त था, पहला दौर था कि रात को कुरान करीम की तिलावत की आवाजें आती थी, और आज का दौर है कि लोग रातों को फिल्में और गाने देखकर, गाने सुन सुनकर अपनी नींद को पूरी करते हैं। सुबह उठते हैं, अपने हाथ में मोबाइल लेते हैं, कभी स्टेटस लगा रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं, कभी गाने सुन रहे होते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने छोटे छोटे बच्चे अपने हाथों के अंदर मोबाइल रखते हैं, कानों के अंदर एयरफोन लगाते हैं। कहां गया वो जमाना, कहां गया वो दौर कि जिस दौर के अंदर कुरान करीम की तिलावत की आवाजें आती थी, सुबह के वक्त यासीन शरीफ की पढ़ने की आवाजें आती थी, रात के वक्त सूरह मुज़म्मिल की, सूरह वाकिया की, सूरह मुल्क की कुरान करीम पढ़ने की आवाजें आती थी। मगर आज उम्मत मुसलिमा ने इन वाकियात को भुला दिया। आज हमारे घरों के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है, बल्कि यहूदियों की, बल्कि ईसाइयों की, अंग्रेजों की सुन्नतें हमारे घरों के अंदर हैं, उनके तरीके हमारे घरों के अंदर हैं। और फिर हम कहते फिरते हैं हमारे घर के अंदर परेशानियां हैं, हमारे घर के अंदर मुसीबतें हैं, हमारे घर के अंदर बरकत नहीं है। मेरी बहन, मेरी माँ, जब हमारे घर के अंदर अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं है, हमारे घर के अंदर बताओ शैतानियत नहीं दाखिल होगी तो फिर क्या दाखिल होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें। एक सहाबी रसूल रजी अल्लाह तआला, आप मशहूर वाकया है, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, बराबर में घोड़ा बंधा हुआ था, आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे, उस घोड़े के बिल्कुल ही करीब बच्चा सहन के अंदर लेटा हुआ था। आपका दिल चाहता है मैं कुरान करीम की तिलावत थोड़ी जोर से पढ़ूं, मगर वो घोड़ा भिदकता है और आपको डर लगता है कि कहीं ये घोड़ा मेरे इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर आप कुरान करीम की तिलावत आहिस्ता करते हैं, दिल चाहता है मैं कुरान करीम की तिलावत थोड़ी जोर से करूं, क्यों? इसलिए कि इनको कुरान करीम के पढ़ने में मजा आता था। मेरी माए बहनों, तुम्हें गाना सुनने में मजा आता है, उन सहाबे किराम को कुरान करीम पढ़ने में मजा आता था, तुम्हें रातों को फिल्में देखकर मजा आता है, उनको रातों को इबादत करने में मजा आता था, उनको लंबे लंबे क्याम करके मजा आता था, लंबे लंबे सजदा करने में मजा आता था, लंबी लंबी किराते और सूरतें पढ़ने में मजा आता था। चुनांचे ये सहाबी रसूल फिर दिल चाहता है मैं कुरान करीम की तिलावत थोड़ी जोर से पढ़ूं, मगर वो घोड़ा भिदकता है, डर लगता है ये घोड़ा इस बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। हत्ता के फिर आपने क्या देखा सुबह के वक्त के कुछ रोशनियां हैं जो जमीन से आसमान की तरफ जा रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ रोशनियों को देखा है जो रोशनी नीचे जमीन से ऊपर आसमान को जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम कुरान करीम की तिलावत जोर से करते रहते तो आज मदीना के लोग फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेते। सुभान अल्लाह, ये लोग थे कि जिनकी तिलावत की आवाज सुनने के लिए फरिश्ते फर्श पर आया करते थे, अर्श से फर्श पर कुरान करीम की तिलावत की आवाज सुनने के लिए आते थे। दो सहाबी किराम वो किसी ऊंची पहाड़ी पर हैं और आपके काम जिम्मे हैं कि हम यहाँ पर हिफाजत करें, लेकिन उन्होंने एक काम किया कि देखो एक काम करते हैं, कुछ देर तुम आराम कर लो, जितने देर तुम आराम करोगे मैं जाग कर आऊंगा, और जितनी देर आप आराम करके उठोगे फिर मैं आराम कर लूंगा और आप मेरी हिफाजत करते रहना। एक बंदा सो गया, दोनों के काम सुपुर्द हो गया, अब उनमें से एक बंदा सो गया, दूसरा बंदा खड़ा था। अब वो सोच रहा था कि मैं कब तक खड़ा रहूंगा, क्यों ना मैं दो रकात नमाज नफिल की नियत ही बांध लूं। दो रकात नमाज नफिल की नियत बांधी, पहली रकात वो पढ़ता रहा, सामने से दुश्मन ने आप पर तीर बरसाने शुरू कर दिए, मगर आपने नियत नहीं तोड़ी, आप नमाज पढ़ते गए, आपके जिस्म से खून की बौछार टपक रही थी, खून टपक रहा था, खून निकल रहा था,
मगर आपने नियत नहीं तोड़ी, हत्ता के आपको ये डर हुआ कि कहीं फर्ज मनसबी में कोताही ना हो जाए। आपने जल्दी जल्दी दो रकात को मुकम्मल करके सलाम फेरा और अपने भाई को उठाया और कहा, भाई अगर फर्ज मनसबी में आज कोताही का डर ना होता तो मैं सूरह कहफ मुकम्मल किए बगैर सलाम ना फेरता। ये लोग थे कि जिनको कुरान करीम की तिलावत करने में मजा आता था, जिनके अंदर कुरान करीम की मोहब्बत थी, जिनके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। एक सहाबे रसूल आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये दुआ मांगा करते थे, हे अल्लाह मुझे आंखों से अंधा कर दे, मेरी आंख की बीनाई ले ले। किसी ने कहा, भाई तुम ये अजीब दुआ मांग रहे हो, हे अल्लाह मेरी आंख की बीनाई ले ले, मुझे अंधा कर दे। तो उसने कहा, मेरी इन आंखों का क्या फायदा, क्यों? इसलिए कि मेरे महबूब अब दुनिया के अंदर नहीं रहे। अब जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं तो मेरी इन आंखों का क्या फायदा, इन आंखों से मैं फिर क्या करूं जब मेरे महबूब ही का दीदार ना हो। वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बतें क्या करते थे। मेरी माएं बहनों जरा सोचो सही, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने तो हमारी खातिर पत्थर खाए, हमारी खातिर रातों को रोए, हमारी खातिर दिन में रोए, हमारी खातिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हमको याद करे, मदीना में हमको याद करते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने हमें हिजरत के मौके पर भी याद फरमाया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की तन्हाइयों में भी हमें याद किया था, बल्कि वफात के वक्त भी जब रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज करने कर रहे थे, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जितनी तकलीफ मुझे हो रही है इतनी तकलीफ मेरी उम्मत को भी होगी। उन मलकुल मौत ने कहा कि नहीं नहीं, बल्कि आपकी उम्मत को तो इससे कहीं ज्यादा तकलीफ होगी जिस वक्त मैं रूह कब्ज करूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बहन, गाने सुनने वाली बहन, रातों को फिल्में देखने वाली बहन, जरा सोच तो सही मेरे नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं। अच्छा, मेरी उम्मत को रूह कब्ज करते वक्त इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक तकलीफ होगी। ऐ मलकुल मौत, कयामत तक आने वाली उम्मतों के साथ सकरात के वक्त मौत के वक्त जो सख्तियां होती हैं उसका कुछ हिस्सा मुझे दे दो, मैं ही मोहम्मद बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी उम्मत को कोई तकलीफ ना होने पाए। कितना प्यारा नबी, कितना लाडला नबी, कितना सोना नबी कि वफात के वक्त भी इस उम्मत को याद कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वफात के वक्त इतना शिद्दत के साथ बुखार था, इतना तेज बुखार था। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि एक प्याले के अंदर पानी लाया गया और आप अलैहिस्सलाम उस प्याले के अंदर अपनी उंगली मुबारक को डालते और वो पानी आप अलैहिस्सलाम के बुखार की शिद्दत और तेजी की वजह से पानी गर्म हो गया। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह इतना तेज बुखार तो हमने किसी को होते हुए नहीं देखा, जितना तेज बुखार आपको हो रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा मैंने अल्लाह से दुआ मांगी थी, ए अल्लाह वफात के वक्त मुझे सख्तियां ज्यादा देना, मुझे बीमारियां परेशानियां ज्यादा देना और उन सख्तियों के बीमारियों के उन परेशानियों के बदले मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देना, उन सख्तियों के उन बीमारियों के बदले मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देना। कितने प्यारे नबी हैं। कयामत के दिन जब सबकी लोग सबकी जबानों पर सब लोगों की जबानों पर एक ही जुमला जारी होगा, या रब्बी नफसी नफसी, ए अल्लाह तू मेरी जान बचा ले, ए अल्लाह तू मेरी जान बचा ले। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मशहूर वाकया, आप भी कयामत के दिन अल्लाह से फरमाएंगे, ए अल्लाह आज मैं तुझसे अपनी मां मरियम का भी तुझसे सवाल नहीं करता हूं, सिर्फ या अल्लाह तू मेरी जान बचा लीजिए। मगर कुर्बान जाएं आमना के लखती जिगर पर, आमना के नूरे नजर पर, आमना के लखती जिगर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते करीमाना पर, सबकी जबान पर या रब्बी नफसी नफसी और आपकी जबान पर या रब्बी उम्मती उम्मती, ए अल्लाह तू मेरी उम्मत की जान बचा ली। इतने प्यारे नबी, इतने सोने नबी, इतने लाडले नबी, और आप अलैहिस्सलाम को जितनी तकलीफें पहुंचाई गई
इतनी किसी और नबी को नहीं पहुंचाई गई। जितनी परेशानियां आपको दी गई इतनी परेशानियां किसी और नबी को नहीं दी गई, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन कुफार का शिकवा नहीं कर रहे, उन जालिमों का शिकवा नहीं कर रहे, उन मुशरिकों का शिकवा नहीं कर रहे, बल्कि शिकवा कर रहे हैं अपनी उम्मत का जो कलमा पढ़ती है, मेरा यानी आप अलैहिस्सलात वस्सलाम का कलमा पढ़ती है और फिर आप अलैहिस्सलात वस्सलाम को नबी मानती है और फिर आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की सुन्नत को मिटाती है, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी गुजारती है। वो तो काफिर बेशनाख्त थे, उनको आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की शनाख्त नहीं थी। आप अलैहिस्सलात वस्सलाम उनका शिकवा नहीं कर रहे, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम तो अपनी उम्मत का शिकवा कर रही हैं कि जिनको रात में, दिन में, मक्का में, मदीना में, मुज़दलिफा में, मीना में, अराफात में आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने याद फरमाया, गिलाफे काबा को पकड़कर आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने इस उम्मत के लिए दुआ फरमाई, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम तो इस उम्मत का शिकवा कर रहे हैं और ये उम्मत इतनी आप अलैहिस्सलात वस्सलाम से बागी हो चुकी, इतनी बागी हो चुकी कि इसे नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम के वो आंसू याद नहीं जो आपने तहज्जुद के वक्त मुसल्ले पर गिराए, वो आंसू याद नहीं जो आप रातों को इस मुसल्ले पर गिराया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं, जब सुबह के वक्त मैं मुसल्ला उठाती थी तो मुसल्ला आंसू से इतना तर होता था कि हत्ता कि मैं उस मुसल्ले को निचोड़ा करती थी, उसके अंदर से आंसू निकला करते थे, आंसू टपका करते थे, इतना रोते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत की खातिर। मगर ये उम्मत आप अलैहिस्सलात वस्सलाम से इतनी बागी हो चुकी, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम से इसने अपना तरीका, अपना रास्ता इसने बदल लिया है, गैरों का तरीका अपना लिया है। मेरी माए बहने, हमें आप अलैहिस्सलात वस्सलाम की उन आंसुओं की कदर करनी चाहिए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रातों को इस उम्मत के लिए बहाए हैं, इस उम्मत को मीना में याद किया है, आप अलैहिस्सलात वस्सलाम ने गिलाफे काबा को पकड़कर इस उम्मत को याद फरमाया है, इस उम्मत के लिए दुआएं मांगी हैं, इस उम्मत को मेराज के मौके पर याद फरमाया है। मेरी माए बहने, हमें चाहिए कि हम उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारें, उस नबी अलैहिस्सलात वस्सलाम के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारें। इसी में ही हमारे लिए कामयाबी है, इसी में ही हमारे लिए भलाई है, हमारी दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है। खैर बहरहाल एक वाकया तो आपके सामने जिक्र कर दिया अस्हाबे कहफ का, दूसरा वाकया आपके सामने जो जिक्र करना है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम का वाकया तज़किरा करना, वाकया बतलाना है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम, आपके वालिद साहब का नाम हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम बेटे हैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलात वस्सलाम के, हजरत इसहाक अलैहिस्सलात वस्सलाम बेटे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वस्सलाम के, हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत क्या करते थे, बहुत ज्यादा मोहब्बत क्या करते थे, मगर ये मोहब्बत उनके सोतेले भाई को पसंद ना थी, वो हसद क्या करते थे। एक मरतबा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम ने ख्वाब देखा, ख्वाब क्या देखा, इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन, अपने वालिद साहब से कहा, ए वालिद मोहतरम, मैंने ख्वाब देखा कि 11 सितारे हैं और सूरज चांद ये मुझको सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम समझ गए, क्योंकि आप नबी थे, आपने समझ लिया और आप भाप गए और आपने फौरन कहा, ए बेटे ला तक्सुस रुया का अला इख्वती का फयकीदू लका कैदा, ए मेरे बेटे आप इस ख्वाब को हरगिज हरगिज अपने दूसरे भाइयों के सामने हरगिज बिल्कुल बयान मत करना, इसलिए कि नहीं मालूम वो आपके साथ कौन सी चाल, कौन सी बुरी चाल चल दे, और शैतान तो यही चाहता है, इसलिए कि शैतान तो इंसान का खुला दुश्मन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको आला मर्तबे से नवाजेंगे, आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत नबुव्वत से भी नवाजेंगे, अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम आपको ख्वाब की ताबीर का इल्म भी सिखाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलात वस्सलाम ने अपने बेटे से नसीहत की, बेटा अपने ख्वाब को अपने दूसरे भाइयों के सामने हरगिज बयान मत करना। इधर वो लोग यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलात वस्सलाम के सोतेले भाई जो आपसे हसद किया करते थे, जो आपसे जलते थे, जो आपसे किलस रखते थे, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि देखो वालिद मोहतरम हमारे कितनी खता पर हैं, कितनी सरी गलती पर हैं कि वो हमसे मोहब्बत इतनी नहीं करते जितनी मोहब्बत यूसुफ से करते हैं, लिहाजा एक काम करो, उक्तलू यूसुफा, यूसुफ हम कत्ल कर देते हैं।
अब इतराहू अर्जुम अभी कौमन साल हम इसको किसी दूसरी जमीन के अंदर छोड़ आते हैं। तो उनमें से एक शख्स ने कहा, जब मशवरा किया जा रहा था कि देखो कत्ल मत करो, एक काम करो, यूसुफ को किसी वीरान कुएं के अंदर, गुमनाम कुएं के अंदर डाल आते हैं कि जिसके अंदर पानी ना हो, पानी खुश्क पड़ा हुआ हो, हम वहां डाल आते हैं। चुनांचे ये मशवरा तय हुआ और फिर ये लोग हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और ये कहने लगे, अब्बा जान क्या आपको मालक ला तमन्ना अला यूसुफा व इन्ना लहू लनासिहून, ऐ अब्बा जान क्या आपको हम पर एतमाद और भरोसा नहीं है, हम यूसुफ के बारे में आपको हम पर एतमाद नहीं है, जबकि हम यूसुफ की तो बहुत ज्यादा खैर खा हैं, आप हमारे साथ कल को यूसुफ को भेजें, ये यूसुफ हमारे साथ खेलेगा कूदेगा, फल खाएगा, खूब ऐश करेगा, खेलेगा भी कूदेगा भी, इसलिए आप कल अरसिल हुमाना गदयरता वैलाब व इन्ना लहू लहाफिजून, कल आप हमारे साथ भेज दें और हम इसकी हिफाजत करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फौरन कहने लगे कि मुझे तो डर लगता है इस बात से, मुझे ये बात गम देती है कि ये के कहीं ऐसा ना हो कि भेड़िया आए और भेड़िया खा जाए मेरे बेटे यूसुफ को और तुम लोग इस गफलत के अंदर पड़े हुए हों और तुम्हें खबर भी ना हो। अल्लाह की शान, ये लोग कल अगले दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गए और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ये लोग अपने साथ ले गए और रात के वक्त आलू या अबाना, ये लोग रात के वक्त रोते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कह रहे थे, हाय अब्बा जान हम क्या करें, हम तो दौड़ लगा रहे थे, हमारा तो दौड़ का मुकाबला था, हमने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो अपने सामान के पास बिठा दिया था, वहां छोड़ आए थे कि देखते क्या है, एक भेड़िया आया, भेड़िया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खा गया और उन्होंने एक कुर्ते को हजरत यूसुफ के कुर्ते पर, हालांकि उन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं के अंदर डाल दिया था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते पर बिदमिन कदीब झूठ मूठ का किसी जानवर का उन्होंने खून लगाया, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को वो कुर्ता पेश कर दिया, वो कुर्ता हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को दे दिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उस कुर्ते को देखा तो खून में तो सना हुआ है मगर कहीं से भी फटा हुआ नहीं है, कहीं से भी गिरबान चाक नहीं है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे, बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा, बल्कि तुम्हारे नफ्सों ने कोई बात घड़ ली है, अब क्या करें, अब तो बस फसबरुन जमील, अब तो बस सबर ही बेहतर है, वल्लाहुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, और मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ इस बात पर जो तुम बयान कर रहे हो। खैर बहरहाल एक काफिला जो मिस्र जाना था वो उस जगह पर उसने पड़ाव डाला और कुछ देर के बाद उनको प्यास लगने लगी, पानी की प्यास लग रही थी, तो उन्होंने एक शख्स से कहा, फअरसलु वारिदहुम, जो पानी लाने वाला था उससे कहा कि आप पानी लाएं, फअदला अदलवा, उसने कुएं के अंदर डोल जैसे ही डाली, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यूं समझे शायद मेरे भाइयों को मुझ पर रहम आ गया है, शायद मेरे भाइयों को मुझ पर तरस आ गया है और वो मुझे नीचे से ऊपर बुलाना चाह रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस डोल के जरिए से ऊपर आ गए हैं और जिसने डोल डाली थी जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखता है फौरन वो चीख उठता है, फौरन पुकार उठता है और वो कहता है, قال يا بشرى هذا غلام, मुबारक हो, खुशखबरी हो, एक गुलाम हाथ आया है, एक नौजवान लड़का हाथ आया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उन लोगों ने देखा तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यहाँ पर फशरूहु बिसमनिन बख्सिन दराहिम मअदूदा, बहुत ही मामूली कीमत के बदले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस काफले के हाथ बेच दिया और वो काफिला आपको मिस्र ले जाता है और आपको जब मिस्र लाया गया आपकी बोली लगती है, आपको मिस्र के बाजार के अंदर बेचा जा रहा है, कभी कोई आ रही हैं, कोई आ रही हैं, मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न इतना आला था कि किसके बस की थी वो खरीदना, उनको खरीदना। खैर बहरहाल अजीज मिस्र आता है और वो मुंह मांगे इनाम के तौर पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लेता है और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो अपने घर ले आता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम घर हैं,
फिर उसकी बीवी जिसका नाम जुलेखा था उससे रहा नहीं गया। वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पर एक तरह से फिदा हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर रहते हैं, अजीज मिस्र कहीं गया हुआ था किसी काम के गर्ज से, और उस वहां पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले थे। उस अजीज मिस्र की बीवी ने जिसका नाम जुलेखा था वो अपने कमरे की कुंडी लगाती है और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहती है कि मेरी तमन्ना को पूरी कर, मेरी ख्वाहिश को पूरा कर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मना करते गए कि मैं कैसे अपने मालिक के अमानत में खयानत कैसे कर सकता हूँ कि जिसने मुझे यहाँ पर अकरीमी मसवा, कि जिसने मुझे यहाँ पर ठिकाना दिया, मुझे इज्जत दी है, लिहाजा मैं उसकी अमानत में खयानत नहीं कर सकता। वह हजरत यूसुफ कैसे कर सकते थे जो कि अल्लाह के नबी बनने वाले थे, जो अल्लाह के नेक थे, जो अल्लाह के लाडले थे, जो एक बहुत नेक आदमी थे, वो एक इस गलत घिनौने हरकत को कैसे कर सकते थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मना करते गए, हत्ता के एक अचानक में दरवाजा खुलता है और आप जैसे जा रहे थे फौरन कोई बाहर से दरवाजा खोलता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर जैसा पहुंचे फौरन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर ये अजीज मिस्र की बीवी जिसका नाम जुलेखा था ये आप पर तोहमत लगाती है और कहती है, अब अजीज मिस्र से, क्योंकि अजीज मिस्र सामने था, जब दरवाजा खोला तो दरवाजा शायद अजीज मिस्र ने खोला था, दरवाजा खुल गया। फौरन ये औरत कहने लगी कि ऐसे शख्स की क्या सजा हो जो आपकी बीवी के साथ जो गलत काम करना चाह रहा हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ये मुझ पर झूठ और इल्जाम लगा रही है, मामला ऐसा नहीं है। तो इस जुलेखा का जो फूफीजाद भाई था वो बड़ा जहीन था, बड़ा तेज था, बड़ा अकलमंद और होशियार था। उसने कहा कि देखो अगर कुर्ता आगे से फटा हुआ तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं और जुलेखा बिल्कुल सच्ची हैं, लेकिन अगर कुर्ता यानी कमीज पीछे से फटी हुई हुई और आगे से कुर्ता फटा ना हुआ तो हजरत यूसुफ सच्चे हैं और ये जुलेखा झूठ बोल रही है। तहकीक की गई तो कुर्ता पीछे से फटा हुआ था, जुलेखा तो झूठ बोल रही थी, जुलेखा तो आप पर इल्जाम लगा रही थी। खैर बहरहाल उस बादशाह ने इस काम को, इस वाकये को इसने दबाना चाहा क्योंकि इज्जत का मसला था, तो उसने इस बात को उछाला नहीं चाहा बल्कि इस बात को दबाना चाहा, लेकिन ये बात दबी नहीं बल्कि ये शाही घराने तक, शाही खानदान तक ये बात पहुंच गई और औरतों में चर्चा होने लगा कि देखो अजीज मिस्र की बीवी कैसी खातून है कि जो अपने गुलाम के साथ इस तरह गलत काम करना चाह रही थी। अब ये बात जब जुलेखा तक पहुंची तो जुलेखा को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो सोच रही थी कि कुछ भी हो मुझे इस चीज का बदला लेना है, कुछ भी हो मुझे ये काम जरूर करना है। उसने एक काम किया, वो काम ये किया कि उसने उन शाही घरानों की औरतों की दावत की और उनको दावत पर बुलाया। चुनांचे वो औरतें आ गई और उनके हाथ में छुरी भी दे दी, सामने फल रखे हुए हैं और उनके हाथ में छुरी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वो जुलेखा कहती है, ए यूसुफ जरा आप इन औरतों के सामने से गुजरें। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो आप हुस्न जमाल के पैगर थे, आपका हुस्न जो कि बहुत आला हुस्न था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अब जैसे ही उन औरतों के, उन शाही घराने की औरतों के सामने से गुजरते हैं, उन औरतों की निगाहें हजरत यूसुफ के हुस्न जमाल पर थी। वो औरतें फल काटने के बजाय वक्त तान आई दिया हुन, उन औरतों ने अपने हाथों को काट डाले और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आगे निकल गए। जुलेखा कहने लगी, जरा बताओ मेरा इनसे मोहब्बत करना बेजा था या बजा था जो तुमने अपने हाथों को काट डाले हैं। खैर बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े गमजदा थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه। या अल्लाह ये क्या हो रहा है, ये औरतें जरा सोचो तो सही, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो बच्चे हैं कि भी आपको कुएं के अंदर डाला गया, आपको मिस्र के बाजार के अंदर डाला गया और फिर अब मिस्र के बाजार के अंदर आपकी बोली लगी, फिर आपको खरीदने के बाद आपको घर लाया गया, आप पर इल्जाम लगाया गया है, उसके बाद भी यहाँ पर बस नहीं किया गया, आप मासूम से चेहरे वाले, आप बचपने में आपके साथ ऐसे ऐसे वाकयात गुजर रही हैं, जरा सोचो तो सही आपके दिल पर क्या बीत रही होगी। खैर बहरहाल आप फिर यहाँ औरतों ने आपके चेहरे को देखा, फिर अपने हाथों को काट डाले, ये क्या मामला हो रहा है इलाही।
रब्बी सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदउननी इलैह, या अल्लाह ये जो औरतें मुझे अपनी तरफ दावत दे रही हैं, अपनी तरफ बुला रही हैं, ए अल्लाह इसके मुकाबले में मुझे जेल खाना पसंद है, मुझे आप कैद खाने के अंदर डाल दें, ये मुझे गवारा है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ को कबूल कर ली, और एक दिन वो आया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फिर जेल जाना पड़ा। वो जेल किस लिए जाना पड़ा? क्योंकि इज्जत का मसला था, अजीज मिस्र की बीवी की इज्जत का मसला था। अब इज्जत को बचाने की गरज से बस उसके पास यही काम था, यही ऑप्शन था कि उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल के अंदर डाल दिया गया। आप कैद खाने के अंदर हैं, दो शख्स आते हैं, एक साकी था, दूसरा शाही दरबार का जो बावर्ची खाना था उसका वो दरोगा था। अब साकी और शाही बावर्ची खाने का दरोगा, ये दोनों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत के अंदर आते हैं, हालांकि ये भी दोनों कैदी थे, यानी साकी भी और वो दरोगा यानी बावर्ची खाने का दरोगा, ये दोनों कैदी थे। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछते हैं। साकी ने पूछा कि देखो मैं देख रहा हूं ख्वाब के अंदर कि मैं अंगूर की शराब बना रहा हूं, तो आप मेरे इस ख्वाब के बारे में बताएं। और दूसरा ख्वाब उसने जो बताया, यानी दूसरे वाले ने जो दरोगा था, उसने ख्वाब ये बताया कि मेरे सर पर घी रोटी है और उसको परिंदे नोच नोच कर खा रहे हैं, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। साकी वाले ख्वाब की ताबीर बता दी आपने कि आपको बहुत जल्दी रिहाई मिल जाएगी और आप जल्दी छूट जाओगे। दूसरे वाले से कहा जो दरोगा था, यानी कि बावर्ची खाने का जो दरोगा था, आपने उससे बोला कि तुमको बहुत जल्द फांसी की सजा सुनाई जाएगी और आपके जिस्म को परिंदे नोच नोच कर खाएंगे। खैर बहरहाल ये ख्वाब भी पूरा हुआ और वो साकी रिहा हुआ, और इधर इसको भी सजाए मौत सुनाई गई, यानी इसको भी फांसी दी गई। और जब आपने उससे ये बात बोल ये ख्वाब की ताबीर बताई थी साकी से कि आप जल्दी रिहा हो जाओगे, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने साथ साथ में ये भी कह दिया था कि जब तुम रिहा हो आप अजीज मिस्र से मेरे बारे में कहना, एक यूसुफ बिना कसूर बिना गलती के जेल खाने के अंदर पड़ा हुआ है, कैद खाने के अंदर पड़ा हुआ है, आप कहिएगा कि उनको जेल से निकाल लें। चुनांचे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब उससे ये बोल दिया वो चला गया, लेकिन वो शख्स इस बात को भूल गया था, वो उस शख्स के जहन में ये बात नहीं रही थी। और जो फांसी की सजा सुनाई गई, असल में मामला ये था कि बादशाह के खाने के अंदर शाही खाने के अंदर खाना उस समय जहर किसने मिलाया, तो तहकीक की गई, जो बावर्ची खाने का जो दरोगा था उसने जहर मिलाया, उसको फांसी की सजा सुनाई गई, उसको फांसी दी गई। खैर बहरहाल जब वो शख्स इस ख्वाब को भूल गया तो बादशाह ने एक दिन ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा अजीब देखा। ख्वाब वो ये देखता है कि सात पतली गाय हैं और वो पतली गाय सात मोटी गाय को खा रही हैं, और वो इस ख्वाब से बड़ा हैरान हुआ। अब वो जब सात बाले हैं, सात खुश्क बाले हैं और सात खुश्क बाले सात सब्ज शादाब हाँ उनको बालों को खा रही हैं। अब बादशाह ने जब इस ख्वाब को देखा तो वो बड़ा हैरान हुआ और सुबह उठा, अपने वजीरों से पूछा कि इस ख्वाब की ताबीर बताई जाए, इस ख्वाब की ताबीर क्या है। अब उस साकी को अपना वो ख्वाब याद आया और वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बताया कि बादशाह ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर बता दीजिएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे ये नहीं कहा कि देखो तुम भूल गए, तुमने मुझे मैंने तुमसे कुछ बात कही थी और तुमने वो बात बादशाह से नहीं कही, अब मैं तो नहीं बताता। आपने कुछ नहीं कहा, आपने ख्वाब की ताबीर बता दी कि सात साल खुशहाली के सात साल हैं और सात साल फिर बाद कहत आएगा और उस कहत के अंदर बहुत ज्यादा परेशानी का आलम होगा। फिर साथ साथ में आपने गल्ला बचाने की एक तरकीब भी बता दी कि आज गल्ला किस तरह महफूज रखा जाएगा, आपने वो तरकीब भी बता दी थी। खैर बहरहाल ये ख्वाब उन तक पहुंचाया गया तो बादशाह के अंदर फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मकाम बढ़ा और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से रिहाई का मामला तय हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं उस वक्त तक रिहा नहीं होऊंगा जब तक मेरे ऊपर से सारे इल्जाम को बरी ना किए जाए। चुनांचे फिर जुलेखा को भी बुलाया गया और औरतों को भी बुलाया गया। जुलेखा ने फिर अपने इस मामले को अपने ऊपर लिया कि हाँ वाकई मैंने इनके ऊपर इल्जाम लगाया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस तरह तमाम वाकया तमाम इल्जाम से बरी किया गया और आपको बरी करके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको ताज तख्त से नवाजा गया। और ताज तख्त से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब आपको नवाजा तो वो सात खुशहाली के साथ आए।
साथ खुशहाली के साथ साल बहुत अच्छे साल आए, फिर उसके बाद कहत साली का जमाना आया और आपने जो तरकीब जो बताई थी गल्ला महफूज रखने की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल से वो तरकीब काम आ गई। आपने उसके उस दौर के अंदर जो कहत साली का जमाना था, कहत साली का दौर था, आपने उस दौर के अंदर गल्ला तकसीम फरमाया। कनान के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इत्तला मिलती है कि अजीज मिस्र के पास गल्ला महफूज है और वो गल्ला तकसीम कर रहे हैं, लिहाजा जब वो गल्ला तकसीम कर रहे हैं उनके पास गल्ला महफूज है तो आप भी जाओ और उनसे गल्ला लेकर आओ। चुनांचे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कह दिया, हालांकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम गमजदा थे, अपने बेटे के जुदाई में आप परेशान थे, इतने गमजदा थे कि आपने उस जुदाई की वजह से अपनी आंखों की बिनाई भी खत्म कर दी, बिनाई भी चली गई थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में। खैर बहरहाल यहां से ये काफिला वहां पर पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब पहुंचता है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को समझ गए कि हाँ ये मेरे भाई वही हैं जिन्होंने मुझे कुएं के अंदर डाला, मगर उन भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना था। खैर बहरहाल हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने घर के बारे में उनसे पूछा, घर की पूरी हालत पूछी, घर की पूरी कैफियत पूछी, उन्होंने सारी बात बता दी और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको गल्ला दे दिया। वो कहने लगे कि एक हमारा भाई है जिसका नाम बिन्यामीन है, आप उसका भी गल्ला दे दीजिए। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उसका गल्ला तब दूंगा, पहले आप उसको यहाँ पर ले आए तब मैं उसको गल्ला दूंगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात बोली, वो लोग कनान वापस अपने घर पर आए और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से फरमाया कि देखो अजीज मिस्र ने गल्ला काफी दिया है और उन्होंने भाई बिन्यामीन के लिए गल्ला नहीं दिया और कहा है कि तुम कल अगर बिन्यामीन को मेरे पास लाओगे तो मैं उनका गल्ला दूंगा, ऐसा नहीं दूंगा। तो हजरत यूसुफ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ बिन्यामीन को नहीं भेजूंगा, इसलिए कि तुमने मेरे बेटे यूसुफ को तो कहीं पता नहीं क्या कर दिया उनके साथ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे बिन्यामीन के साथ कुछ गलत चाल चल दो, मैं नहीं भेजूंगा। लेकिन बहरहाल उन्होंने उन लोगों ने यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने खूब खुशामद की, खूब इसरार किया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फिर उनसे अहद लिया कि मैं अहद लेता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे साथ बिन्यामीन को भेजूंगा। उन लोगों ने अहद लिया, अहद लेने के बाद ये दोबारा बिन्यामीन के साथ वहां अजीज मिस्र यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और अब तो जो गल्ला दिया पहले से कहीं ज्यादा गल्ला दिया, बिन्यामीन को भी गल्ला दिया और बिन्यामीन से आपने कह दिया, हे बिन्यामीन मैं आपका भाई हूँ, भाई यूसुफ हूँ और आप बताए ना, आप टेंशन ना लीजिए। बिन्यामीन ने फिर अपने इन भाइयों के भाइयों की सारी बातें बता दी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, भाई बिन्यामीन अब आप टेंशन न ले, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत सब सही कर देंगे। अब दोबारा मामला ये था होना था कि बिन्यामीन को वो अपने साथ ले जाए। हजरत यूसुफ की मंशा ये थी कि भाई यहीं रहे, कुछ भी हो भाई बिन्यामीन उनके साथ ना जाए। अब इधर मामला ये था कि वो लोग सोच रहे, क्योंकि वो अहद लेकर आए थे अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, हम कुछ गलत नहीं करेंगे। अब इधर हजरत यूसुफ की मंशा भी यही थी, मेरा भाई मेरे पास रहे, अब करें तो क्या करें, एक तरकीब सोची। उन्होंने तरकीब ये सोची, फी रहली अखीही तुम अदन मुअद्दिन अय्यतुहा अलईर इन्नकुम लसारिकून। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यामीन के उस कजावे के अंदर अपना एक चांदी का प्याला उनके अंदर रख दिया और फिर वो जो काफिला था जो कनान से आया था, हजरत याकूब का जो घराना था, वो वापस चल दिया, बिन्यामीन भी चल पड़े। अब जब उस प्याले की तलाश की गई तो प्याला तो नहीं मिला। अब वो जो शाही दरबार के जो वज़रा हजरात थे, जो कर्मचारी लोग थे, सरकारी मुलाजमीन थे, अब वो सोचने लगे तो काफिला तो अभी तक कोई नहीं आया सिवाय कनान के, लिहाजा ऐसा ना हो कि कहीं वही ले गए हों। अब उन्होंने उस काफिले को रोका, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई वाले काफिले को रोका और कहा, रुको, तुमने हमारे एक चांदी के प्याले की चोरी की है। वो कहने लगे, हमने कैसे चोरी की है, हम कैसे चोरी कर सकते हैं, ये चोर हो सकता है, ये जो शख्स है बिन्यामीन ये चोरी कर सकता है, इसने चोरी की होगी, आप इसका तलाश कर लीजिएगा। खैर बहरहाल कजावे में तलाश किया गया तो बिन्यामीन के कजावे के अंदर वो चांदी का प्याला निकला और फिर ये लोग कहने लगे कि देखो इसने चोरी की है, अब इसका अंजाम क्या हो। वो कहने लगे, अब आप ही खुद सोच सकते हैं इसका अंजाम क्या होगा।
खैर बहरहाल ये वाकया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब इसकी सजा ये है कि हजरत बिन्यामीन को यहीं पर रोका जाए, इनको वापस नहीं जाने दिया जाएगा। वो लोग बड़े गमजदा थे कि वाली साहब को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि तुमने यूसुफ को धोखा दिया, अब बिन्यामीन को भी साथ में ना लाए, अब क्या कहेंगे। अब साफ सीधी बात है, हम तो इतना ही कहेंगे, ए वालिद मोहतरम आपको यकीन नहीं आएगा, हम सच कह रहे हैं, बिन यामीन ने उनका चांदी का प्याला चोरी किया था, जिसकी वजह से उन्होंने सजा के तौर पर उनको अपने पास रख लिया। खैर बहरहाल ये काफिला फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने पूछा बिन्यामीन कहाँ है, तो उन्होंने कहा बिन्यामीन ने चांदी के प्याले की चोरी की थी, उनको सजा के तौर पर वही रोक लिया गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रो पड़े और कह रहे थे कि तुम यूसुफ को भी तलाश करो और तुम बिन्यामीन को भी तलाश करो, तुम यूसुफ को भी तलाश करो और बिन्यामीन को भी तलाश करो, जाओ तुम दोबारा वापस जाओ। फिर तिबारा ये कनान से काफिला वहां पर पहुंचता है और ये बड़े गमजदा थे, चेहरे पर मायूसी के असर जाहिर हो रहे थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमा रहे थे कि हमारे वालिद मोहतरम बूढ़े हैं, आंखों की बिनाई चली गई है, एक तो भाई उनका यूसुफ था उसको तो भेड़िया खा गया, और दूसरा ये शख्स जिसको आपने अपने पास रखा है, हालांकि तो चोर है और ये तो है ही ऐसा, यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बिन्यामीन की बुराई की जा रही है, फिर हजरत यूसुफ की बात बुराई की जा रही है कि वो भी ऐसा ही था, इनका भाई वो भी चोर था, तरह तरह की बातें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हजरत यूसुफ ही की बातें बताई जा रही हैं और बिन्यामीन की बातें बताई जा रही हैं, और कह रहे थे आप बिन्यामीन को हमारे साथ भेजें, हमारे वालिद मोहतरम की आंखें बिनाई चली गई हैं, वो गमजदा हैं, हमारे घर में इतना राशन भी नहीं है, लिहाजा आप हमें राशन भी दीजिएगा। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको पूरा वाकया बताया और कहा मैं यूसुफ हूं तुम्हारा भाई और मेरा ये भाई बिन्यामीन है, और तुम एक काम करो मेरे उन वालिद साहब को यहाँ पर ले आओ, मेरे खानदान के लोगों को ले आओ। अब भाई सब बड़े मायूस थे, आपने कह दिया कोई बात नहीं, ला तसरीब अलैकुम अल्यौम यग़फिरुल्लाहु लकुम, मैंने तुम्हारी हर गलती को माफ कर दी है, लिहाजा तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम सबकी मैंने हर गलती को माफ कर दी। खैर बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के समेत पूरा खानदान जब ये रवाना यहाँ से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास से ये लोग जब रवाना हो चुके थे कनान की जानिब, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ पूरा खानदान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है, और हजरत याकूब को लग भी रहा था जैसा कि मेरे यूसुफ यहीं हैं, मुझे यूसुफ की बू आ रही है, और वो आपकी बीवी कह रही थी कि आप क्या बातें कह रहे हो, आपकी तो बात पागल किसी लगती है जो आप कह रहे हो कि यूसुफ की मुझे बू लग रही है, जबकि यूसुफ को तो भेड़िया खा गया। खैर बहरहाल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी बीवी से मैं तुमसे कह नहीं रहा था कि मुझे यूसुफ की बू आ रही है, चलो हम यूसुफ के पास चलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने खानदान वालों का वेलकम और इस्तकबाल करने के लिए आप मिस्र के बिल्कुल बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उनका इस्तकबाल करते हैं। आप उनका इस्तकबाल करने के बाद उनको अपने इस महल के अंदर लाया जाता है, चुनांचे आप कुर्सी पर बैठते हैं और दरबारी लोग बतौरे शुक्रिया ताजीमी बतौरे ताजीमी आपको सजदा ताजीमी करते हैं, साथ साथ में आपके घर के दीगर अफराद भी आपके लिए सजदा ताजीमी करते हैं। जब आपके घर के लोग आपको सजदा कर रहे थे, आपको अपना बचपन का वो ख्वाब याद आ गया जो आपने अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा था, ए वालिद मोहतरम मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे और सूरज और चांद हैं जो मुझको सजदा कर रहे हैं, और वो ख्वाब इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा फरमाया, 11 सितारे यानी भाई, सूरज और चांद यानी माँ बाप, जो आप जिस माँ के पेट से आप पैदा हुए थे उस माँ का तो पहले इंतकाल हो गया था कि सोतेली माँ थी। खैर बहरहाल इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपका ये ख्वाब भी पूरा फरमाया। देखो किस तरह इस वाकये के अंदर कितने सबक हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम आप छोटे हैं, इसी कम उम्री में आपको कुएं के अंदर डाला भी गया, फिर आपको बेचा भी गया, फिर आपको मिस्र के अंदर ले जाकर वहां पर फिर अजीज मिस्र के हाथ आपको फरोख्त किया गया, वहां पर फिर जुलेखा का जुर्म यानी आप पर इल्जाम लगाया गया, फिर
औरतों का जुल्म, औरतों ने जो आपके हुस्न को देखकर अपने हाथ काट डाले, फिर आपको जेल के अंदर जाना भी पड़ा, आपने एक मुद्दत हाय दराज तक, आपने एक जमाने तक आपने जेल भी काटी, कैद खाने की जिंदगी भी गुजारी, फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस गुलामी से हटाकर अल्लाह ने आपको ताज व तख्त नवाजा, आपको मिस्र का अजीज बनाया, बादशाह बनाया। इस वाकये के अंदर कितने अहम नसीहतें हैं। इसलिए हमें चाहिए कि किसी भी हाल में हम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हों, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं हो। आज इंसान गरीब है, कल मालदार भी हो सकता है। आज इंसान परेशान है, कल खुशहाल भी हो सकता है। आज बीमार है, कल शिफा याब भी हो सकता है। जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक गुलामी के मरहले से गुजरकर अल्लाह ने आपको ताज तख्त का बादशाह बना दिया। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन सब बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। खैर, कहने का मकसद यही है जो बीच में भी बात कही थी कि हम अल्लाह के नबी के तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाले बने, और हमें चाहिए कि हम रोजाना अपने घर के अंदर चाहे 5 मिनट ही सही, लेकिन घर के अंदर हम दीनी तालीम जरूर करें, रोजाना करें, कम अज कम चाहे 5 मिनट ही सही कोई वक्त मुंतखब कर लो, चाहे मगरिब बाद का वक्त मुतय्यन कर लो, इशा बाद का वक्त मुतय्यन कर लो, जिस वक्त आप फ्री हो उस वक्त आप मुतय्यन, उस वक्त को मुतय्यन करके आप घर के सब लोगों को बिठाकर आप जरूर तालीम करें। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुआ कर लीजिए।